Hi and to the the 13, से हम स्टार्ट करें सक्सेसफुलर वन टू टॉकिंग टू द रोजन बुक हम कवर कर चुके हैं और इन डिफरेंट से अंदर हमने वो तमाम टॉपिक्स को फॉलो किया है जो कि रोजन की बुक के मौ, अंदर मौजूद थी चैप्टर थर्टीन मॉडलिंग कॉम्पिटिशन को आ, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना जरूरी है कि, जैसे कि हमने डिस्क्रिट स्ट्रक्चर या डिस्क्रिट मैथ्स के कोर्स uh, के अंदर देखा है कि वो तमाम ब्रांचेस ऑफ दी कोर्सेज या फिर ब्रांचेस ऑफ दी अदर सब्जेक्ट्स जहाँ जहाँ पर डिस्क्रीट का टॉपिक मौजूद था उन तमाम टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक जगह डिज़ाइन किया गया जिसे हम डिस्क्रीट मैथ्स कह रहे होते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से मॉडर्न कम्पिटिशन एक्चुअली जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंपाइलर डिज़ाइन या ऑटोमेटा थ्योरी से लिया गया है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे तो मुमकिन है कि आपने इससे पहले ये कोर्सेस पढ़ा हो और अगर नहीं भी पढ़ा है तो इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस के अंदर आप ये कोर्सेस जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये कोर कोर्स है तो मॉडर्न कम्प्यूटेशन इट्स ऑल अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटेशन जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं तो वो इंटरनली कंप्यूटर में कितना कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है उसे रन होने के लिए उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो किस तरह के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को फॉलो करेगा मैथमेटिकल क्या मॉडल होगा और किस तरह से वो स्ट्रेंग uh, को जनरेट कर सकेगा उसके लैंग्वेजेस क्या होंगी इंटरनली वो तमाम चीज़ की स्टडी जो है वो मॉडलिंग कंपिटिशन के अंदर डिस्कस की जाती है तो ये बताना बेहद ज़रूरी था ताकि आप ऑलरेडी तैयार रहें कि चैप्टर थर्टीन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो डिस्क्रीट से रिलेटेड हैं या डिस्क्रीट के पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं यही वजह है कि मॉडलिंग कम्पिटिशन चैप्टर थर्टीन को बुक के अंदर लास्ट में ऐड किया गया है तो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूं कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादूस एनसी से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और इसी तरह ब्लॉग पे भी आ सकते हैं जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तमाम मटेरियल्स को मेरे ब्लाग फादुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम से फॉलो किया जा सकता है जबकि मेरे चैनल हुसैन से तमाम वीडियोस विद ईज देखी जा सकती है तो चैनल पर कहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वक्त वक, वक्ता फ़वकान चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लास्ट चैप्टर है चैप्टर थर्टीन मॉडलिंग कम्पिशन का स्टार्ट करते हैं सो एज़ वी हैव डिस्कस कि ये चैप्टर्स किन चीज़ों पर बेस करता है और किन चीज़ों की स्टडी इसमें मौजूद है तो थर्टीन पॉइंट वन लैंग्वेजेस एंड ग्रामर का है यानी हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं कंप्यूटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसमें ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट होता है सो ऑटोमेटा थ्योरी या ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द कंप्यूटेशन इज अ थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स विच मेनली डील विद द लॉजिक्स ऑफ द कंप्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल मशीन्स रेफर्ड टू एस ऑटोमेटा यानी ऑटोमेटा को एक सिंपल मशीन कहा जा रहा है ताकि हम लॉजिक्स ऑफ द कम्पिटिशन को अंडरस्टैंड कर सकें जो कंप्यूटर साइंस या मैथ्स के अंदर इस्तेमाल की जा रही होती है अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्चुअली थ्योरी ऑफ कॉम्पिटन कम्पिटिशन एक एडवांस कोर्स है कोर्स है और उसके सब फील्ड के अंदर ऑटोमेटा आता है ठीक है ऑटोमेटा के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी भी होते हैं लेकिन ऑटोमेटा के अंदर हम डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी और फर्दर एडवांस टॉपिक को भी देख रहे होते हैं लेकिन ऑटोमेटा के अंदर हमारा फोकस लैंग्वेजेस और फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स की स्टडी के लिए होती है ठीक है तो जो जो टॉपिक्स इन कोर्सेज से डिस्क्रीट्स को फॉलो कर रहे होंगे वो सारी चीजें हम जान सकेंगे फर्दर ऑटोमेटा इनेबल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन्स कंप्यूट द फंक्शंस एंड सोल्व प्रॉब्लम विच मीन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट टू मेन मोटिवेट मोटिवेशन बिहाइंड डिवलपिंग ऑटोमेटा थ्योरी वॉज develop डिवेलप method to describe and analyze the dynamic behavior ऑफ़ दि डिस्क्रीट सिस्टम ठीक है कि डिस्क्रीट सिस्टम में डायनेमिकली क्या बेहेवियर है क्योंकि हम फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेट्स चाहते हैं अपनी मशीन्स के अंदर ताकि वो फाइनाइट सिस्टम को आसानी के साथ फाइनइट टाइम के अंदर कंप्यूट कर सके सो ऑटोमेट ऑर्गेनाइज फॉर्म दर्ल्ड ऑटोमेशन याच इज क्लोजली रिलेड रिलेटेडोम तो ये फर्दर बेसिक चीजें हो गई फर्दर पॉइंट्स अभी हम आगे फर्दर भी जानेंगे लेकिन यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ऑटोमेटा और थ्री ऑफ कम्पटिशन पे एक्चुअली स्टडी किस चीज की अब हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जानना होगा जो कि थर्टीन पॉइंट वन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज क्या है ग्रामर क्या है उन चीज़ों की स्टडी के बाद हम मजीद इन डेप्थ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे सो द फर्स्ट थिंग वॉट इज अ सेंटेक्स अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की सिंपल बात करूँ उसके बाद ही हम डेप्थ पे जा सकेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटा लैंग्वेज या ग्रामर क्या चीज़ है अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सेंटेक्स किसे कहा जाता है कि फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यानी जब आपको इंग्लिश सेंटेंस uh, लिख रहे होते हैं तो उसका बेसिक आइडिया क्या है कि फॉर्म ऑफ सेंटेंस राइट है या नहीं उसमें सेंटेक्स एरर है या नहीं उस चीज की स्टडी को हम सेंटेक्स कहते हैं जबकि सेकंड पॉइंट हमारे पास सिमेट्रिक्स है मीन मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस की जो चीज लिखी जा रही है उसके मीनिंग राइट वे पर है या नहीं तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब भी हम इंग्लिश कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल सो द सेंटेंस द फ्रॉग एक सेंटेंस है दैट्स वन इज द फ्रॉग राइट्स नीटली ज अ वैलिड यानी ये जो सेंटेंस लिखा गया है इंग्लिश ग्रामर सो हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि इस लैंग्वेज ये जो सेंटेंस लिखा गया इंग्लिश ग्रामर के रिस्पेक्ट राइट है या नहीं बिल्कुल राइट है सो दैट इज इट इज सेंटेक्टिकली करेक्ट इवन दैट इज नॉन सेंसिबल ओके okay. अगर ये सेंसेशनल uh, हो या सेंसेबल हो या ना हो यानी ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द द्रूथ इसकी वैल्यू ट्रू हो या ना हो उस चीज को हम नहीं देखेंगे हम रूल्स रूल्स को देखेंगे कि के मुताबिक ये इंग्लिश का पार्ट है या नहीं है अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैंटेसी वर्ड सो द सेंटेंस ऑफ द दर्ड स्विंग क्विकली मैथमेटिक्स इज नॉट अ वैलिड अब यहां पर इस सेंटेंस को यानी इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को क्यों वैलिड नहीं कहा जा रहा है नॉट अ वैलिड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक ये वैलिड सेंटेंस नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट आना चाहिए फिर हेल्पिंग वर्ब होता है फिर मेन वर्ब होता है और उसके बाद सेंटेंस uh, का ऑब्जेक्ट होता है तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की कि हम सेंटेक्स और सिमेट्रिक्स को अपने सेंटेंस में किस तरह से रीड कर रहे होते हैं अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पर आते हैं तो हमें ग्रामर्स में उसके रूल्स बताए जाते हैं जैसे अभी मैंने लास्ट में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट होता है या इसी तरह एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो सुपरलेटिव फॉर्म है कम्पेरेटिव फॉर्म है किस तरह के फॉर्म्स हैं जो सारी चीज़ें हम ग्रामर्स के अंदर डिस्कस करते हैं

Uh, जबकि हम ये चाहते हैं कि ना कि हम लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ें बल्कि हम कुछ रूल्स फॉर्मल लैंग्वेज के जानना चाहते हैं दैट हैव वेल डिफाइंड रूल्स ऑफ सेंटेक्स, जिसके जरिए से हमें रूल्स ऑफ सेंटेक्स पता चल जाते हैं कि किस तरह के सेंटेक्स के रूल हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे सो दिस रूल ऑफ देंटेक्स आर इम्पोर्टेंट बिटवीन इन अ लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज एंड इस द स्टडी और इन द स्टडी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जब हमें फॉर्मल लैंग्वेज पता चल जाए तो इधर आप नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश या दूसरे लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज को पढ़ रहे हो या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उस रूल्स के बिहार पर आ, उसको पढ़ना या उसे मेमोराइज करना या उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है तो दो चीज़ें हमने नेचुरल लैंग्वेज के बारे में जानी कि इंट्रोडक्शन क्या है किस तरह के ग्रामर्स उसमें हो सकते हैं अब इन्हीं ग्रामर्स के रूल को अगर हम एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं अगर आप बेसिक एग्जाम्पल्स को देखें तो सेंटेंस है सेंटेंस इज मेड ऑफ़ दी नाउन फ्रेज फॉलोड वर्ड फ्रेज आर्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर एबजेक्टिव हो सकते हैं तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इन्हें पास करके आप पढ़ भी सकते हैं लेकिन बेसिक चीज हम जान चुके हैं कि एक सेंटेंस इंग्लिश में जब बन रहा होता है तो वो कितने पार्ट ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट से या फिर ग्रामर के रिस्पेक्ट से कॉम्बिनेशन होता है ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें सिक्वेंस ऑफ द रिप्लेसमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है एक सेंटेंस को बनाने के लिए अगर आप देखें नाउन फ्रेस वर्ड फ्रेज ये तीन चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद इन्हीं को री रिप्लेस uh, किया जा रहा है कैसे जैसे ये लिखा हुआ है दी वर्ड सिर्फ ठीक है फिर उसके बाद लिखा दी लार्ज तो लार्ज यहाँ पर क्या हो गया एग्जेक्टिव हो गया इस पार्ट की बात हो रही है। फिर उसके बाद कोई नाउन है तो रैबिट आ गया फिर वर्ब है तो होप्स आ गया और एडवर्ब है तो फिर क्विकली आ गया तो अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना दी लार्ज रैबिट होप्स क्विकली तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए ये इस तरह की कॉम्बिनेशन या रिप्लेसमेंट इस्तेमाल हुई यानी हम बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ दी देंटेक्स लिंग्विस्टिक ग्रामर हम उन वर्ड्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जब तक वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का राइट वैलिड सेंटेंस वी यूज दीज रूल टू फॉर्म अ वैलिड सेंटेंस सीरीज ऑफ द रिप्लेसमेंट अंटिल नो मोर रूल्स कैन बी यूज उस वक्त तक हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं जब तक उसके रूल्स वायोलेट uh, ना हो रहे हो सम एडिशनल वैलिड सेंटेंस आर इस तरह के कुछ सेंटेंस वैलिड हो सकते हैं ठीक है uh, इधर इनकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हो या ना हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि हेन इज बिगर देन माइस और बाइस इज बिगर देन रैड इस तरह के सेंटेंस ट्रुथ वैल्यूज पे तो फॉल्स हो सकते हैं लेकिन बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर वो राइट होंगे गए सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इंग्लिश uh, लैंग्वेज के रिस्पेक्ट से अब हम आते हैं अपने फॉर्मल लैंग्वेज जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था थर्टीन पॉइंट वन का जिसमें हमें लैंग्वेज एंड ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशन तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो टॉपिक का आता है वो है फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर अब यहाँ पर जो ग्रामर की बात होगी वो इंटरनल कंप्यूटेशन की होगी और अब इस वक्त जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो है है क्या ये और अल्फाबेट को एमटी से किया जा symbol. तो जो वो उसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं ए बी सी वन टू थ्री इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं जबकि वोकैबरी अल्फाबेट वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा वर्ड और

या वो वर्ड जिसे रिप्लेस ना किया जा सके उसे हम टर्मिनल कह रहे होंगे ये सारी चीजें अभी एग्जाम्पल्स पे आएंगी ये पॉइंट्स हमें समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल ए दी रैबिट इज अग्जाम्पल ऑफ द ग्रामर इसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते सो दो कैन दैट कैन बी रिप्लेस बाय अदर सिम्बल्स और कॉल्ड अ नॉन टर्मिनल जिसे हम चेंज कर सकते हैं वो नॉन टर्मिनल होगा जैसे सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज के वर्ड्स हो सकते हैं या हम नेम को इट इज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या इट थर्ड पर्सन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम नॉन टर्मिनल यहाँ पर कहेंगे so this the rules that I specify when we can replace a string v of a star with another string are called a production यानी जब आप किसी string को v of a star पे जो मौजूद है उसे किसी दूसरे से change कर रहे होते हो तो वो production क्या लाता है of the grammar we denote that z of not goes to z one यानी z not को मैं z one पे replace कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि ये production part है so the production that satisfies that z not can be replaced by z one with

वर्ड क्या है वी ऑफ ए स्टार से क्या मुराद है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स क्या होंगे तो इन जर्नलाइज फ्रॉम द फ्रेज स्ट्रक्चर्स ग्रामर द कैपिटल जी दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द फोर थिंग वी टी एस पी वेर वी इज कॉल्ड अ वेरिएबल यू कैन से जिसे यहां पर वोकैबरी से भी रिप्रेजेंट किया गया ठीक है बुक के मुताबिक टी इज अ टर्मिनल ठीक है अब टर्मिनल में नॉन टर्मिनल वाली चीजें भी आ जाती हैं और टर्मिनल वाली चीजें भी आ जाती हैं एस यहां पर स्टार्टिंग स्टेट को कहा जाता है यानी निशा से लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है या प्रोडक्शन रूल स्टार्ट हो रहे हैं और प्रोडक्शन रूल वो है जो रूल्स बता रहे हैं कि किस आ, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल जनरेट होंगे और नॉन टर्मिनल को हम किस तरह से यूज कर सकते so so हैं दैट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्शन तो दिस ग्रामर इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस फोर थिंग सो दिस फोर कंसिस्ट ऑफ अ वो वी जिसे हमने वेरिएबल भी कहा एंड ऑफ दोडक्शन पी अब इसमें अगर आप डिस्क्रीट को देखो तो जहां जहां पर बात हो रही है वहां पर फाइनाइट एलिमेंट की हो रही है और हम जानते हैं क्योंकि हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में से पढ़ रहे हम बहुत सारी चीजों को इन डेप स्टडी नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटा डिस्क्रिक के से देखेंगे तो यहां पर फाइनाइट सेट्स की चीजें आ रही हैं फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है यही वजह है कि हम इसे डिस्क्रिक में स्टडी कर रहे हैं बैक टू द टॉपिक सो द सेट एन ओके दैट इज इक्वल टू वी माइनस टी इज सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल्स एवरी प्रोडक्शन इन पी मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन नॉन टर्मिनल ऑन इट्स लेफ्ट साइड यानी जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसमें कम से कम एक नॉन टर्मिनल होगा जो उसके लेफ्ट साइड में होगा जबकि सेट एंड जो है यहां पर वो बराबर होगा वी माइनस टी सेट ऑफ दी नॉन टर्मिनल सिंबल के सिंबल के अब एग्जाम्पल्स वन को समझते हैं अब अकॉर्डिंग टू द ग्रामर अंडरस्टैंडिंग ये तो उसकी डेफिनेशन है अब जब कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग मिलते हैं तो एक लैंग्वेज जनरेट होती है तो उस लैंग्वेज उसी वक्त जनरेट होगी जब हमें उसके आ, रूल्स के मुताबिक ग्रामर के मुताबिक प्रोडक्शन दिया जाए वे आर वी इक्वल टू ए बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड एस ठीक है वी इन चीजों के बराबर होगा इसमें टर्मिनल नॉन टर्मिनोल स्टार्टिंग स्टेट भी आगे जबकि टर्मिनल जो है प्रोडक्शन okay, का एस तो ये बता रहा है कि मैं एस से ए बी और ए प्रोड्यूस कर सकता हूँ उसके बाद आगे अगर मुझे ए को एक्सपेंड करना होगा इस ए को तो मैं डबल बी से कर सकता हूँ सिर्फ बी को एक्सपेंड करना होगा तो उसकी जगह स्मॉल ए बी लिख सकता हूं और अगर ए बी हमारे पास हो तो मैं उसकी जगह बी लिख सकता हूँ तो अब इस प्रोडक्शन रूल के मुताबिक मैं स्ट्रिंग जनरेट करवा सकता हूं ठीक है अगर मैं इस एस को यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए अब क्योंकि सिर्फ कैपिटल लेटर को ही एक्सपेंड किया जा सकता है स्मॉल चेंज नहीं होता तो इस कैपिटल ए की मैं रूल्स देखूँ तो कैपिटल ए की जगह क्या लिखा जा सकता है टू टाइम कैपिटल बी ठीक है तो मैंने इसकी जगह लिख दिया इस तरह से डबल बी जबकि इसके साथ बी ए वैसे ही रहेगा ठीक है बी ए से लिख दिया अब अगर मैं एक बी को एक्सपेंड करूंगा तो ये स्मॉल ए बी के बराबर होगा तो मुझे सेकंड को भी करना होगा तो मैं इस बी की जगह ए बी लिख सकता हूँ इस बी की जगह ए बी लिख सकता हूं और ये बी ए ऐसे उतर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो स्ट्रिंग जनरेट हो गई जो कि इस प्रोडक्शन रूल से बनाई गई है तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हमें कोई स्ट्रिंग दिया जा सकता है और कहा जाता है कि इस रूल के मुताबिक इसे प्रोड्यूस करें तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे या फिर इन इस प्रोडक्शन को रूल करके कहा जाता है कि वो स्ट्रिंग जनरेट करें तो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल रूल्स इस तरह से स्ट्रिंग जनरेट करके दिखाई जाएगी और जब ये कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग मिलेंगे तो ये एक लैंग्वेज बन जाएगी तो दैट्स ऑल अबाउट इन द सेशन जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो सेशन के अंदर जाना कि बेसिक मॉडलिंग कॉम्पिटिशन क्या चीज़ है कब इनकी जरूरत पेश आती है क्यों हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज और ग्रामर क्या है इंग्लिश लैंग्वेज को पहले हमने अंडरस्टैंड किया फिर इसी ग्रामर के रूल्स को हमने फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में पढ़ा ताकि हम कम्पटिशनल इंटरनल कम्पटिशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रोडक्शन वेरिएबल्स स्टार्ट स्टेट प्रोडक्शन किस तरह से बनती है जैसे स्ट्रिंग जनरेट हो उसके कलेक्शन से फर्दर लैंग्वेज बनाई जा रही होती है नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इन डेप्थ डेरिवेशन को देखेंगे कि क्या है लेफ्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है और फर्दर क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें नेक्स्ट सेशन पे जानेंगे इसी तरह से जुड़े ताकि वक्तन फवक्तन आप मल्टीपल्स चीजें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें वीडियो चले ये तो लाइक करें ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीजें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें नेक्स्ट सेशन से मिलते हैं